आ गया रोहित दास भी और हम लोग बैठ के अब निकलने वाले हैं, तो ये दिखने वाले हमारे ब्लॉग में। चलो बैठते हैं। 4:41 में और रोहित दास बैठ गए हैं। रोहित दास एक फोन पे लगा हुआ है, अभी सोसाइटी से निकल गए। देखिए कितना टाइम लगता है, 1 घंटे तो साथ ज़्यादा ही लगने वाला है। फाइनली 1 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं T3 के पास। हैदराबाद जब गया था ना, तो उस टाइम विस्तारा यहाँ से गई थी। पहुँच गए हम लोग फाइनली। अब मुझे पता नहीं हमारे दोस्त लोग कहाँ हैं, काफ़ी क्राउड है। डोमेस्टिक भी जा रही है? हाँ डोमेस्टिक भी जा रही है, सही में नहीं, काफ़ी क्राउड है। मुझे लगता है डोमेस्टिक में भी आया था, किसी को छोड़ने इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अभी दिख रही है यहाँ पे। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये रोहित दास की बैग और ये मेरी बैग, दोनों ट्यूनिंग करते हुए साथ में चल रही। हालांकि इसने अपने टी शर्ट से मैच करता हुआ लिया हुआ बैग। एंट्री करते हैं, एक बार पूछ लें क्या आशीष से। और भीड़ देख सकते हो भाई, भाई लंबी लंबी लाइनें, जल्दी लगना लगने में फ़ायदा है। हर जगह पे भीड़ 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 भरी पड़ी है भाई चारों तरफ। इधर देखो, हमें पता नहीं चल रहा है किस में लाइन लगेगी, जल्दी पहुंच जाए। चारों तरफ लंबी लंबी लाइन लगी है भाई, उसमें चलें। सब में लंबी लाइन है भाई, ऐसा नहीं। उस वाले को उधर से कम है थोड़ी, है ना। बट कहीं सीनियर सिटीजन का तो नहीं है वो? नहीं नहीं सही है सही है, इसमें कम है, इसमें चलते हैं। एक लाइन हमें कम दिख गई है, इसमें कम लोग दिख रहे हैं, पूछ के हम इसी में लग जाते हैं। अपने चेक इन कराने का सब कुछ, वीज़ा वीज़ा प्रिपेयर कर लिया और एक इसके साथ में टिकट भी रख ली, आईडी रख ली। रोहित दास पहले जा रहा है, चेक इन होगी यहाँ से और एंट्री होगी हमारी यहाँ पे। फाइनल हमारा यहाँ से पास हो गया है, हम लोग निकल गए, अंदर चलते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे सारे फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें लिखा हुआ फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। हाँ हमारे पास तो घंटा नहीं पता है, हमारी फ्लाइट तो दिखी नहीं है। हम जाके करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं रोहित दास की। चलें फिर। 6 नंबर गेट एंट्री के जस्ट बगल में आपको एक्सचेंज मनी एक्सचेंज दिख जाएगा, यहाँ पे आप करा सकते हैं। तो आप रोहित दास दास ने $500 कन्वर्ट कराया अपना। पासपोर्ट चाहिए होता है तो आपको, अगर कन्वर्ट कराना है तो आपको पासपोर्ट और बोर्डिंग पास या फिर अपनी टिकट दिखा दो तो काम। आपको देखना है तो देखो, अभी ऐसा कुछ स्टैंडर्ड चलता है सबका। तो अंदर में कम भीड़ है, बहुत बाहर बहुत लंबी भीड़ थी। 6 नंबर गेट के साथ एंटर करने के साथ ही आपको राइट साइड में यहाँ पे दिखेगा कैश एक्सचेंज, यहाँ एक्सचेंज करा सकते हो। ये स्टैचू है ना जस्ट इसके सामने, ये देखो ये कितने कितने डॉलर है। 400 डॉलर के अंदर करीब करीब 30-35 हज़ार भैया, देखो हाथ में पड़ा हुआ है ऐसे। ये सिंगापुर डॉलर है। ये सिंगापुर भाई, कहाँ से क्या काम करते हो तुम? देखो इनके पास में ये देखो 30-40 हज़ार ऐसे चार पन्नों में पड़े हुए हैं। सही है। इसलिए क्या करना पड़ा, कितने पैसे लगे हमारे इस पर, कितने कटे एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा चाहता है काफ़ी चार्ज, 4-5 रुपये महंगा है बाहर से, 4 रुपये महंगा। तो भैया बाहर से करा के आओ हमारे तरफ, हमने आशीष से करवा लिया, आशीष से मिलोगे आप। ये बंदा लेट चलने वाला है, इसके पास पैसा बहुत है, इसने थोड़ा लेट से कराया अभी, बट सही है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सब कुछ। तो बढ़िया है, आशीष भी लाइन में आई थिंक लगा हुआ है, देखते हैं कहाँ पे, 6 नंबर पे ही आएगा भाई। आ गया लौंडा, ए मेरी जान, ए नो आशीष टिक्का वक्का। सुनो सही, नहीं ये तो पहले जा चुका इंटरनेशनल, ऐसा तो थोड़ी है घर का पहला इंटरनेशनल जाने वाला मेरी तरह। सेम ही है क्या, सेम ब्रांड भी सेम लगा। चला जाए फिर, ऑफलाइन लगे आ जाओ। फाइनली बहुत जद्दोजहद के साथ हमारा तो मतलब एंट्री मिल गई, वरना मिल नहीं रही थी। क्या हो रहा था साला ये झूठा इंसान, इसने बताया नहीं कि इंश्योरेंस दिखाना है यहाँ पे हम लोगों को। अब जरूरत भी नहीं है, वो वहाँ कर लिया ना, पास काम खत्म है। बस ये बोले थे है कि नहीं है, बस ये कहना था साला, पहले इंश्योरेंस करा के बैठा हुआ है ये। तो फाइनली गाइस हमारा जो है बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ मिल चुका है तीनों चारों जनों की। ये हवा लगा रही है, गर्मी लग रही है इसकी। ओ भाई लंबी लंबी भीड़ है, सही बोल रहा है। चलो कोई नहीं, हम घुस जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए किधर चलना है पता नहीं, हमें नहीं पता है, तो चलते हैं पता करते हैं किधर घुसना है। टिकट तो मिल गई भाई, हम अब जा रहे हैं, बस हम तो जा रहा है। 7 हो चुका है, लंबी लाइन है और अभी तक हमारा नंबर पहुंचे भी नहीं, तो हमारा बस नंबर आने ही वाला है यहाँ पे 5 मिनट में। मैं तो डाल दूंगा तीनों चारों कपड़े वाला। काम खत्म हो गया अपना, चलते हैं। पप्पा ऊपर लग चुका है, चलते हैं अंदर। पीछे की टर्न है, अब रात से सबको रखते हैं, समेटते हैं और चलते।
भाई हम दोनों तो बहुत लकी रहे, हमने प्रिंट आउट करा लिया था। एक चीज़ मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जब भी आते हो तो प्रिंट आउट बैकअप के लिए रख लिया करो। अभी देख सकते हो मेरे दो फ्रेंड पीछे चले गए प्रिंट कराने के लिए आके, क्योंकि पास में वीज़ा प्रिंट आउट नहीं था। तो प्रिंट आउट सेफ साइड रखना चाहिए, हम दोनों ने रख लिया था तो हमारा हो गया। और फाइनली हम लोग घुसे हैं, ये कौन सी जगह है रोहिता? ये ड्यूटी फ्री है, और ये ड्यूटी फ्री है, ये इसको इसको बोलते हैं भाई दारुओं का अड्डा। फ्री नहीं है कुछ भी, फ्री तो नहीं है, ऑब्वियसली फ्री नहीं है, बट हाँ सस्ते में मिल जाएगी। देखो क्या प्रीमियम प्रीमियम क्लास वाइज लगी हुई सब चीज़, इंटरनेशनल और ये और सबका भाई क्या बात, स्नैल वनैल हो भाई, गुच्ची सब एकदम मस्त है। यहाँ थोड़ी देर हम लोग घूमते हैं यहाँ पे, जब तक वो दोनों नहीं आते हैं तब तक ये रेडी को कैसे बना तो ये बाहर मिलता नहीं है मार्केट में। ओके, और ये स्टैचू आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा है। यहाँ पे प्रीमियम प्रीमियम ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ख़रीदारी करनी हो अगर तो देख सकते हैं, दियोर व्योर सारा कुछ है। वहाँ से चल के आने के बाद हम चलेंगे अब थोड़ी देर रोहितास के साथ लॉन्च में बैठेंगे, मज़े लेंगे लॉन्च के। मैं फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा लॉन्च का, कार तो इतना खड़ा ले रखा है अभी कभी लॉन्च गया नहीं, सुना सबसे लेकिन। ओके, तो रोहितास पहले से यहाँ पे लॉन्च वॉन्च घूम चुका है तो मुझे लेके चलेगा। ये देख सकते हैं प्रीमियम लॉन्च, पर मुझे अभी कन्फ्यूजन है क्या ऐसा होता है क्या कार्ड स्वाइप करने के बाद मस्त खा सकते हैं? तुम्हारा नहीं चलेगा तो मेरा चल जाएगा। तो इसमें जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, एक कार्ड में दो आदमी, एक कार्ड पे एक, तो कैसे तो मेरा चलेगा भाई, तो मैं किसका वाउचर है ना। अच्छा तो तू जाएगा ना फिर, कार्ड तो है, कार्ड चलेगा तेरा चलेगा मेरा दोनों का चलेगा, नहीं चलेगा दोनों में से किसी का नहीं चलेगा, ये है ना, पूछ लेते हैं। अभी लेते हैं हम एक्सेस, देखते हैं कैसे क्या सीन है। ऑप्शंस इन लॉन्च इफ यू कम ड्रिंक वगैरह लेते हो तो हम लोग ले रहे हैं लॉन्च के मजे। भाई आशीष के साथ में सब पहुंच हो गए सेट, मतलब खाना पीना खा लिया ना? हाँ, खाना खा लिया भाई। तो अब हमारा खाना पीना सेट हो गया, अब जा रहे हैं फाइनली हम लोग ऑन बोर्ड करने के लिए, फाइनली इंडोनेशिया। पहले तो हम जाएंगे कहाँ पे? सिंगापुर जाएंगे, उसके बाद चलो पता लग ही जाएगा देख के। रोहितास से मिलते नीचे, कहाँ पे रोहितास फिर चलते हैं। हाँ भाई बिजनेस क्लास वाले जिसको हमने अकेला कर दिया, हम तीनों गरीब हो बिजनेस क्लास वही तो लग हुए हम गरीब होके भी साथ में थे, वो बिजनेस क्लास होकर अकेला हो गया, साथ वाले अमीर होते हैं। हाँ सही में, चलो मिलते हैं नीचे उससे। ये बच्चों वाली खेल कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे जाना है और भाई साहब चढ़ गए यहाँ पे, ये देखो इन बच्चों को अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। क्या एनर्जी है, तो जा साले वहाँ से घूम के आ गए, यही तो जाना था, यही तो आना है। ये पे भाई पागल हो रखे हैं ये सब के सब। ओए अतुल यार, मतलब गेम खेल रहे हैं, इधर से घूमे जा रहे हैं, इधर से उधर। अरे रोहितास बिजनेस क्लास भाई, ओ रोहितास बिजनेस क्लास वाले को बाय बाय करने का टाइम आ गया। बाय 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 बाय। अबे पीछे सुन तो सही, पीछे से हाय कर देना, हम लोगों को लगेगा हमें पहचानते हैं लोग वहाँ पे बैठ के। तो हमारी बोर्डिंग जो है अब स्टार्ट हो गई है, 9:22 हो गए हैं, फाइनली चलते हैं अंदर। सबको चारों भाई जुड़ गए हैं, तब चलते हैं अंदर। क्यों? और यहाँ से एंट्री लगी, इधर से लाइन लगनी है क्या की एंट्री? भाई अब चलना है अंदर, बस बैठने की सीट लेने की दो दी है। भाई डेटा साइंटिस्ट हैं ये, आई हो गई एंट्री अब यहाँ से। यार हमने भी नहीं डलवाया यार, अबे वो नहीं बोलना कैसे साले, तू पागल हो, इंटरनेशनल थोड़ी चलेगा, पोस्टपेड या कुछ भी है वो करवाना पड़ेगा भाई। क्यों ऐसा करा, पागल है भाई? क्यों इसे लिखा कहाँ है? अच्छा ये लिखा था 43, हमारा 48 है ना, हमारा 48 C। मैंने तो नहीं देखी इतनी सीट भाई, यहाँ से इतना एक साथ में है। टीबीसी है, डबल डेकर फ्लाइट है, लेकिन पीछे अब बहुत आगे तक भाई, वहाँ भी डबल डेकर पीछे भाई सीढ़ियाँ थी और ऊपर जाकर हो सकता है बिजनेस के लिए होगी। नहीं मैंने देखा, देख चलो घूम लेंगे बैठने के साथ। बढ़िया सी एफ टी वी स्क्रीन आपको मिल रही है भाई यहाँ पे आराम से। अरे आप कौन हो भाई?
ये समय देख रखा है, देख ये आराम से इस पर रखो, इसमें देखिए तो मिरर भी है, ये देख इसको देख। अच्छा जी अनु है जो लिपस्टिक लगा ले अपनी, चल मिरर में निकल रहा है, सेट देख के लिपस्टिक लगा ले। ऐसा है कुछ देख सकते हो, और इधर आप रख सकते हो, ड्रिंक है, और यहाँ पे अपने वीवो फोन से मिले हुए हैं। करो तू भी ब्लॉग करेगा क्या ये? वैसे ये सब क्या है पता नहीं, देख सकते हो स्पेस कितना ज़्यादा होता है इंटरनेशनल फ्लाइट में। मेरी फर्स्ट जर्नी है, मुझे तो बस उतना पता नहीं था कुछ भी, पर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देख रखी थी। और ये है आपके पास में बढ़िया सा डिस्प्ले जिसमें कि आप म्यूज़िक मूवी है वो सारा चीज़ करेंगे, बाकी यहाँ अपना कुछ चीज़ें रख सकते हैं। लिटर डिस्पोजेबल एंड एयर सिकनेस, अच्छा उल्टी मारने के लिए। हाँ सही सही, ये भाई इसलिए वही है। हाँ भाई ये सही दे रहा ज्ञान भाई, ये वो है। दूसरा अगर आपको चार्ज वार्ज करना है फोन को, देखो अनु ऑलरेडी फोन चार्ज कर रही है अपना आईफोन यहाँ। और इसका ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उल्टी मारने वाला पैकेट उल्टी मारनी ही है, ऐसा नहीं है, ना लगाओ तो अच्छा है, ना यूज करो इसे। और यहाँ पे आपके पास में अपने ड्रिंक वगैरह इसमें रख सकते हो, है ये मेरे को ये बढ़िया जगह लगा। ये देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे सेट हो जाता है, ऐसे बंद, पर आपको इसको यूज़ करना है तो ऐसे खोलो, और आपको मिरर यूज़ करनी है तो यहाँ मिरर के लिए भी ऑप्शन है, चाहे तो इसको ऑन करो फिर ऐसे देख लो अपने आप को, है ना, बढ़िया एकदम जुगाड़। और यहाँ पे फूड वगैरह रख लो, और इसको और ज़्यादा बड़ा करना है तो बस ऐसे कर दो, आप यहाँ पे फूड सर्व करो, खाना खाओ। और लेग स्पेस भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और एक दो चीज़ें मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये नीचे क्या लगी थी भाई आसूस क्या है? अरे भाई रोहतास का तो लगी सिस्टम है, उसका बिजनेस बोलना सही बोलना, ये क्या है? देखा नहीं, ये जैसे पावर किसी को पावर एडप्टर किसी को चाहिए तो ये भी पड़ा हुआ है, पावर एडप्टर टाइप पावर वाले 3 पिन जो होते हैं वो है। और यहाँ पे आपको कुछ बुक्स वगैरह मिलेंगे पढ़ लेना सेफ्टी वेफ्टी के लिए, बाकी तो सही है। और ये देखो भाई हमारा दूसरा बंदा बिजनेस क्लास में बैठा हुआ है, ये बहुत ना इंसाफ है भाई हमारे साथ में, देखो देखो क्या मिला हुआ है, जो कैसी चीज़ें मिली हुई हमें, क्या हम गरीब हैं भाई, हम एकदम गरीब हैं, ये क्या मिला है कुछ कहना चाहेगा क्या भाई सही क्या है? अरे इसके इसके आगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत तगड़ा है, फील हो रहा है सही। चलो कोई नहीं, हम ऐसे बंदे हैं, हमें भी अच्छा, हमें जो मिलता है अपने को ये भी वाले भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही अपने को ये भी बढ़िया लग रहा है, अपने को ये भी अच्छा लग रहा है, एक नंबर का सही है। मूवी बताओ कौन सी देखनी है, साउथ की मूवी तो है नहीं आ रही यहां मूवी है भी, तो मुझे पता नहीं कैसे आई है ना, वंडर वुमन इन फ्लाइट शायद, मैं चेक करता हूं। देखो भाई ऐसे सर्च होती है मूवी, आप भी सर्च करना, जैसे एक सर्च कर रहे हैं हमें नहीं पता है, देखना कोरियन फ्रेंच क्या देखना है आप बताओ, मैं सोच रहा हूँ भाई इंग्लिश देखिए, ये कर दिया हमने पहले, और इन्होंने ईयर प्लग्स दे रखा है, ईयर प्लग्स लगाओ मस्त इन्जॉय करो मूवी को, ईयर प्लग्स लगाओ इन्जॉय करो। बेल्ट लगाने के टाइम पढ़नी है तो आप ये बटन प्रेस करो यहाँ पे और आपकी लाइट जल जाएगी, और इस भाई की चलानी है तो ये वहाँ जला दिया, और उनका चलाना है तो वहाँ जल सेट हो गए, बंद कर दो वरना आ जाएगी गुस्सा होकर, डोमेस्टिक वाली तो बहुत मैं चढ़ा था। ये देखो इसकी विंग्स कितनी बड़ी है भाई, दिख नहीं रहा है इतना लंबी लंबी सी विंग्स। और फ्लाइट तो बड़ी, फ्लाइट जो है प्लेसमेंट स्टार्ट होगी, देख सकते हो थोड़ी देर पीछे जाना स्टार्ट होगी, हमारे लौंडे बैठे हुए हैं यहाँ पे पूरा फुल एंटरटेनमेंट करने के लिए, फुल सिस्टम बिजनेस क्लास में जाके भी रोहितास को तो मज़ा नहीं आ रहा होगा, है ना? अरे वो अकेले स्वाद ले रहा होगा, मैं कह रहा हूँ उसे अकेले में ज़्यादा स्वाद आते हैं, हर चीज़ में उंगली मार के देखेगा वो, ये क्या है ऐसा, ये ऐसे नहीं भाई रोहितास, ऐसा सिस्टम है ना, हमें डिटेल बताएगा मैं बाद में भाई, मेरे में सही बोला मैं नहीं देखा, बस वीडियो बना के लाएगा देखिए, लेग स्पेस वैसे अच्छी है इसकी, है ना, पैर फैलाओ पूरा एकदम अच्छे से, डोमेस्टिक में थोड़ी छोटी होती है ऐसे चीज़ें चिपक जाती है, मेरे लिए तो डोमेस्टिक में भी नफ रहती है कोई दिक्कत नहीं बिजनेस डोमेस्टिक के बिजनेस जाता होगा, टांगी छोटी है ना
पहली इंटरनेशनल फ्लाइट हो और साथ में ऐसे 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 दोस्त हो तो बस बोर्ड ही नहीं हो, एक मिनट आप मजे में चलने वाली है फ्लाइट, अभी नॉन स्टॉप चलने वाली है, दो चार बोलने आएगी उधर से बीच बोलने आएंगे, छोड़ मत बोलिए, मास्क लगा लो, स्टार्ट नहीं हुए पहले जो टिकट थी ना हमने वही चार्ट वाली तो रोहितास हो गया ना कि नहीं आने वाला है, फिर हमने पिकअप के लिए हम लोग हो रहे हैं तैयार, टीम हो गई लाइक तो रनवे पे फ्लाइट जाना स्टार्ट हो चुका है। विंग्स भाई कितनी बड़ी है इसकी, हम इसके आगे ऊपर चढ़ के जैसे एल्टीट्यूड हाई होगा अपना चला देगा, टेंशन ना लो, for all time they deserve an ounce, it's only worth it if you work for it, it's only worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown.